आजही 24 तास एक पाऊल पुढे. नमस्कार. हार्ट टू हार्ट या मुलाखतींच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आज आपण गप्पा मारणार आहोत एका कलंदर मुसाफिराबरोबर. यांनी जगातल्या अनेक देशांचा प्रवास केलाय, त्याही पेक्षा सुद्धा हिमालया एवढ्या मोठ्या अनेक कलावंतांना त्यांनी साथ केलेली आहे. जॅझ फ्युजन याचबरोबर एक तालवादक म्हणून आंतरराष्ट्रीय कीर्ती ज्या कलावंतानं मिळवलेली आहे त्या कलावंताशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत, त्याचा कला प्रवास जाणून घेणार आहोत. आपण आज गप्पा मारणार आहोत तौफिक कुरेशींशी. तौफिक कुरेशी, आपलं स्वागत. नमस्कार जी. तौफिक कुरेशी म्हटल्यानंतर सर्वप्रथम आठवतात ते अल्लार खान. अल्लार खानचे चिरंजीव, त्याही पेक्षा त्यांच्याकडनं मिळालेली विरासत, त्यांचं नाव, त्या नावाबरोबर आलेली जबाबदारी आणि त्या जबाबदारीतून राखलेला दर्जा, हा सगळा प्रवास आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. तौफिक जी, तौफिक कुरेशी हे नाव ऐकल्यानंतर पहिल्यांदा डोळ्यासमोर काय येत असेल तर ते अल्लार खानचे चिरंजीव. बरोबर. अल्लार खानकडून एक वडील म्हणून, एक पिताजी म्हणून आणि त्याही पेक्षा एक माणूस म्हणून तुम्हाला काय मिळालं? देखिए, अब्बाजी से मुझे सबसे पहले एक जो खास बात मिली है वो ये मिली है कि जिंदगी में एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है. उन्होंने मुझे ताल की विद्या तो दी ही, और ऐसी दी कि अगर वो विद्या मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद इस जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं वाकई एक मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, और अगर ये नहीं करता तो शायद पता नहीं क्या करता मैं. तो वो विद्या जो मुझे उनसे मिली है, जिसके वजह से मैं आज आपके सामने भी यहां आप लोगों के सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, तो ये तो मिली है. लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमें यह सिखाया कि एक बहुत अच्छा इंसान बनना जरूरी है. उनका एक खास कहना था कि अपने आप को कभी भी ये ना कहना कि मैं अब सीख गया हूं, मैं सीख गया, अभी मुझे आ गया. वो सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी. अपने आप को हर वक्त एक शिष्य समझो. एक शोध यात्रा कायम चालू राहिली पाहिजे. हो, बरोबर. म्हणजे तुम्ही शिष्य आहात असं समजूनच पुढे जा, मग तुम्ही यू विल यू नो आप हर वक्त अपने आप में एक नयापन पाओगे. आपको वो जो सीखने की इच्छा है उससे आपकी डेवलपमेंट जो है एज अ म्यूजिशियन वो हर वक्त होती रहेगी. लोग आपसे बोर नहीं होंगे कभी. आप हर वक्त एक नई चीज लोगों के सामने पेश करते हैं. एक सतत नवीन प्रयोग करत राहणं आणि त्या प्रयोगातूनच स्वतःला कलावंत म्हणून जिवंत ठेवणं, लोकांच्या समोर आणणं, एकदम ही एक प्रकारची शिक्षण तुम्हाला झालं, आपण कुलाचार म्हणून. हे अब्बाजीने आम्हाला शिकवलं आधी, नंतर तबला करा, जे काय तुम्हाला करायचं आहे ते तर आम्हाला मिळालंच आहे त्यांच्याकडून. आणखीन यातला एक महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे जकीरबाईंचा. हो. तुम्हाला दोघांना वडिलांनी शिकवताना इतरांपेक्षा काही वेगळं असं दिलं, काय दिलं, काय सांगाल तुम्ही तुमच्या दोघांच्या सांगीतिक शिक्षणाबद्दल वडिलांनी दिलेला काय सांगाल? रोज बसवून शिकवायचे, काय करायचे? तुम्हाला एक सांगतो की मी जाकीर भाईंबरोबर कधी बसून शिकलं नाहीये, कारण ते माझ्याकडून 12 वर्ष मोठे होते. बरोबर. आणि ते फादर फिगर सारखेच मला मला आहे. आणि जहां तक सीखने का बात है, जो अब्बाजी ने उनको दिया वही मुझे दिया, लेकिन उन्होंने उसी विद्या को ऐसा कर दिया है कि वो जैसे हम लोग बचपन में मतलब जब टीनेजर्स थे तो हम सोचते थे कि अब्बा जी ने एक तबले को एक मुकाम दिया है, तो वो दिखता था उधर है कहीं तो भी एक हिमालय. हाँ, वहां कोशिश करेंगे को पहुंचने की. जाकिर भाई कहीं और ही लेके गए, वो दिखता ही नहीं है. जो दिखेगा नहीं वो आदमी पहुंचेगा कैसे? दिखता ही नहीं, कहां लेके गए? अरे कहां है यार, कहां जाए, कहां? तो वही विद्या है, जो विद्या हम सबको मिली है वही विद्या उन्हें मिली है, लेकिन वो एक ऐसा लेके गए बस. और हम लोगों की मेरी कोशिश यही रही है कि मतलब जाकिर भाई से ही मैं इंस्पायर्ड होकर कह रहा हूं कि वो इंसान हर वक्त एक नया करने की सोचते रहता है, और वही मैंने अपने आप में लाने की कोशिश की है कि जैसे मैंने शुरुआत की मेरे पिताजी से, तो उनसे सब कुछ मैंने जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल रिदम के हिसाब से जो होता है वो मैंने सीखा, और उसको लेके मैं आगे बढ़ा. जिंदगी में आगे आके मैंने देखा कि नहीं, ये मेरा मुझे यहां
मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे कुछ और करना है, तो मैं परकशंस की तरफ आ गया। वो करते करते मैं फिल्म रिकॉर्डिंग्स करते करते फिर मुझे लगा कि एक दिन नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं ये जिम्बे की तरफ आ गया। फिर ये करते करते लगा नहीं यहां भी मैं बोर हो रहा हूं तो मेरी ऑडियंस भी बोर हो रही होगी, तो कुछ और करता हूं। तो मैंने फिर वॉइस का करना शुरू कर दिया। तो ये जो मैंने मेरे पिताजी में देखा है कि कुछ ना कुछ नया करते रहो, जाकिर भाई में देखा है, वही मैंने अपने आप में लाने की कोशिश की है। तौफीक भाई जी, हा सगळा जो प्रवास तुम्ही उलगडताय हे इतक्या सहजतेने सांगताय, हा प्रवास इतका सोपा नाही हे निश्चित आहे। याचं कारण असं आहे की अनेक कलावंत मी असे पाहिलेत की ते आपल्या सेफ झोन मध्ये राहतात। हो बरोबर आहे, म्हणजे एखादा राग आला त्याच्यावरची मास्तरी आली तर दुसरा राग ते सादर करायचं धाडस अनेकदा करत नाहीत असं दिसतं। आणि इथे तर मला एक असा कलावंत दिसतोय की जो वडिलांनी दिलेल्या शिकवणीनुसार दर वेळेला काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न करतो, मग अशा प्रकारचं एक वाद्य असेल किंवा आणखीन काही प्रकारचं नाद निर्मिती असेल। मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला कधी अशी भीती नाही वाटली की आपल्याला ऑडियन्स स्वीकारणार नाही, आपण फेल्युअर जाऊ? नाही, भीती वाटत होती मला खूप वेळ। जेव्हा मी अब्बाजींना सांगितलं की अब्बाजी आता उसके पहले मैं आपको एक क्या बोलते ना एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने तबला को छोड़ने का जो एक मेरा एक रीजन था वो एक बहुत ही अहम रीजन था कि उस वक्त मैं अब्बा जी और जाकिर भाई के साथ ट्रियो करके बहुत कॉन्सर्ट्स में बजाता था। तो मुझे कॉन्सर्ट के बाद जब मैं आके बैठता था तो सोचता था मैं क्या कर रहा हूं। मेरी हालत ऐसी होती थी जैसे कि एक बकरी दो शेर के बीच में तो सोची क्या हालत होती होगी। तो मैं सोचता था यार मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर मुझे कुछ करना है इस, क्योंकि अब क्या है मेरे लिए तबले का ए टू जेड खत्म हो गया। ए फॉर अल्लाह रखा, जेड फॉर जाकिर हुसैन, फिनिश। वंडरफुल। अभी क्या करने का इसमें, कुछ नया क्या आदमी क्या करेगा? जेड के बाद तो कुछ निकला ही नहीं है, ए के पहले कुछ नहीं है, जेड के बाद कुछ नहीं है। तो डर था कि अभी मैं इसमें जाते रहूंगा तो ठीक है, मैं आगे रियाज करूंगा, अच्छा ही बजाऊंगा, लेकिन क्या होगा, लोग मुझे नोटिस करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक पत्थर उठाओ तो 10 निकल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? तो मेरा सोच आया कि नहीं, मैं कुछ, वैसे भी मेरी रुचि थी कुछ अलग रिदम का करने की। बचपन से मैं पंचंदा के गाने बहुत बहुत सुनता था और मैं बोंगो लेके बैठ के उसके साथ बजाता था। वहां रेडियो चल रहा है और मैं बजा रहा हूं, मेरे दिमाग में होता था कि मैं ऑर्केस्ट्रा के साथ बजा रहा हूं। तो ये तो था ही मेरे में एक रुचि। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं तबला को छोड़ के मैं कुछ प्रकर्शन करना चाहता हूं। तो एक डर था कि अभी सेफ जोन था मेरे लिए। मैं क्लासिकल कॉन्सर्ट्स भी बजा रहा था अब्बा जी जाकिर भाई के साथ, सुल्तान खान साहब के साथ, हरी जी के साथ, ब्रिजभूषण काबरा जी के साथ, और जो मेरे कंटेम्प्रेरीज है उनके साथ में भी मैं बजा रहा था। लेकिन वो सब छोड़ के मैं एक भलती जगह में घुस गया। तो डर था मुझे, और लेकिन यही था कि जो मुझे जाकिर भाई ने भी उस वक्त कहा था कि ये 88 की बात है, उन्होंने कहा कि तौफीक तुम ये करना चाहते हो करो, 2-3 साल अगर करने के बाद तुम्हें लगा भी कि नहीं कुछ हो रहा है तो ये तो है ही है तो तुम्हारे लिए, तो इसमें तो तुम आगे अपने पीछे आई। या वाद्याचं शिक्षण तुम्हाला कोणी दिलं? कोणीच नाही दिलं, हे फक्त ऐकून आमच्याकडे तर त्यावेळी व्हिडिओज पण नसायचे, आजकाल युट्यूब आणि सगळं काय काय का आलाय, तो फक्त एलपी किंवा कॅसेट मिळाला तर तिथून ऐकून अरे ये कैसा साऊंड लग रहा है, अच्छा ये ऐसा होगा, इसको ऐसा बजा। हे वाद्य तुम्ही पहिल्यांदा साधारणतः आफ्रिकन जेम्बे, बरोबर आहे, हे वाद्य तुम्ही पहिल्यांदा केव्हा ऐकलत आणि त्याची मोहिनी कशी पडली आणि नंतर तुम्ही काय याच्यावर वाजून दाखवू शकाल याची झलक म्हणून की याचं वेगळेपण काय आहे? हा आफ्रिकाचा इन्स्ट्रुमेंट आहे जेम्बे। मला जाकीरबाईंनी एक जिम्बे आणून दिला गिफ्ट अमेरिकातून, तर मला दिला हे बघ काय छान इन्स्ट्रुमेंट आहे, बघ असं याच्यावरती असं असं सगळं साऊंड येऊ शकतात, कॉंगासारखं पण आहे पण हे आफ्रिकाचा जिम्बे आहे, तर मला खूप आवडलं, मला साऊंड पण याचा आवडलं। पण त्यावेळी मी जेम्बे म्हणजे जेम्बे सारखा वाजवायचा जसा इन्स्ट्रुमेंट होतो आफ्रिकाचा, मी अब्बाजींची विद्या याच्यावर करू शकतोय असं मला काही माझ्या डोक्यात पण नव्हतं। मी वाजवायचा तर 2-3-4 साल असेच गेले आणि मग एकदा मेरी एक खोज थी की मैं अब्बाजी से जो मुझे सीखा है वो मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे नहीं निकालू, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कोई भी आदमी एक घटम लेके बजाता है एक ही इंस्ट्रूमेंट, कंजीरा लेके बजाता है एक ही इंस्ट्रूमेंट, पखावज लेके बजाता है एक इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट मेरा होना चाहिए जो सारा जो मैंने सीखा है उसको मैं इस पे कैसे डिफाइन कर सकता हूं।
तो ये खोज मेरी चली रही थी। तो मैं कांगास पे भी ट्राई करता था, बोंगो पे भी, दुम्बे अफगानिस्तान का दुम्बे, वो करते करते एक दिन ये इंस्ट्रूमेंट पे मैं ऐसे ही घर पे बैठ के कर रहा था, तो मैंने देखा अरे ये कुछ धिनगिन का रेला अच्छा आ सकता है इसके ऊपर, अरे वाह इसको मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं वहां से मेरी खोज शुरू हो गई कि इस पे मैं कैसे कर सकता हूँ। और वो आप कह सकते हैं कि ये 98-99 की बात है। फिर वो खोज करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते अभी मैं पूरा सोलो का परफॉर्मेंस विथ लहरा जेम्बे पे मैंने आजकल करना शुरू किया। तेजे झलक आम्हाला दाखवाल की का या वाद्याचं वैशिष्ट्य आहे मला सांगा। हो जरूर जरूर दाखवा। धा की जगह मैंने निकाला धे, इसका मैंने एक लैंग्वेज डेवलप किया, लैंग्वेज के हिसाब से धा की जगह धे आ गया। हाँ क्या बात है, क्या बात है। और ती की जगह प, ती की जगह प, तुन की जगह तू, तुन की जगह तू, ना है तुन की जगह तू, तुन की जगह तू, ना है कॉमन ना ना, सो धे पक तू ना, ये चार फर्स्ट, धे पक तू ना, धाती धागे, ये हो गया धे पक तू ना। फिर ता, ये आ गया। फिर न, न, ये सारे स्ट्रोक्स मैंने निकाले। और फिर ये स्ट्रोक्स को बना के, जैसे अगर हम बजाते हैं धाती धागे ना धाग तिन ना घेना, ताती ताके ना धाती धागे ना धाग धिन ना गेना, तो धाती धागे ना, धाती धागे ना धाग तिन ना गेना, ताती ताके ना धाती धागे ना धाग धिन ना गेना। तो भरी खाली का अंदाज भी मैंने इसमें मेंटेन किया है। तो धाती धागे ना धाती धागे ना धाग तिन ना गेना, ताती धागे ना धाती धागे ना धाग तिन ना गेना। चोवीस तास एक पाऊल पुढे।